नमस्कार, तीन का तड़का में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अमेरिका के टेक्सास में राहुल गांधी ने भारत की शिक्षा व्यवस्था के बहाने भी आरएसएस पर निशाना साधा। कहा कि मौजूद शिक्षा व्यवस्था एक विचारधारा का कब्जा है जो गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर कुलपति आरएसएस के जरिए नियुक्त तो हो रहे हैं। साथ ही कहा कि आरएसएस का इतिहास और भविष्य को लेकर सीमित लक्ष्य है। I think currently huge problem in the education system is the ideological capture. So, you know, feeding ideology through the education system. Most of our vice chancellors today are placed by the RSS. It's an organization that has a very particular perspective on life, on history, on the future. That's really damaging. Having one organization that is placing all its people in our education system, I think that's damaging. So ensuring that people who run our education system are independent, are not, you know, ideological or are not committed to sort of a particular way of thinking, I think is important. राहुल गांधी के दिए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। कहा कि राहुल गांधी तोड़े अभियान में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश एलओपी चीन और पाकिस्तान का ब्रांड एम्बेसडर है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी देश के दुश्मनों के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने आरएसएस के ऊपर बयान दिया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। उन्होंने कहा कि आरएसएस तो देश बांटता है और अलग अलग नजरिए से वो भारत देखता है। आरएसएस को समझने के लिए राहुल गांधी को कई जन्म लेना पड़ेगा। अगर आरएसएस को समझना है आरएसएस को समझना है उनको, तो दूसरे जन्म में समझ पाएंगे या नहीं भी, सात जन्म लेना पड़ेगा। अगर दादी उनकी जिंदा होती तो वो बता सकती थी, 71 का जब युद्ध हो रहा था आरएसएस सिविल पुलिस का काम कर रहा था, जब बाइडन उनके कंस्टिट्यूएंसी में, बाइडन में उतनी बड़ी हादसा, प्राकृतिक हादसा हुआ तो संघ के लोग वहां सेवा कर रहे थे। जब आपदा होता है तो संघ के लोग, ये तो भारत के संस्कार और संस्कृति का वाहक है आरएसएस। आरएसएस को समझना उनके बूते की बाहर है। और बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर कानपुर में रेल को डीरेल करने की साजिश से जुड़ी बड़ी अपडेट। विस्फोट अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज हुआ है। पहली बार विस्फोटक अधिनियम धारा में यह केस दर्ज हुआ। दो लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। रेलवे अधिकारी रमेश चंद की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि कई जांच एजेंसियां लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई हैं। कानपुर में रेल को डीरेल करने की साजिश से जुड़ी हुई कई खबर सामने आई और अब ये जानकारी मिल रही है कि विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज हो गया है। ऐसा पहली बार है कि विस्फोटक अधिनियम धारा में केस दर्ज हुआ। दो लोगों को इस मामले में डिटेन कर पूछताछ भी की जा रही है। आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर से एक्सप्रेस टकरा गई थी। हालांकि सूझबूझ ड्राइवर ने दिखाई जिसकी वजह से हादसा टल गया, लेकिन कई ऐसे सुराग वहां पर मिले जिससे ये आशंका जाहिर की गई कि साजिश एक बड़ी थी ताकि ट्रेन को डिरेल किया जा सके, उसको नाकाम कर दिया गया। किसकी ये साजिश है, कौन रच रहा था, इसको लेकर लगातार कई जांच एजेंसियां पड़ताल कर रही हैं। और अब पहली बार विस्फोटक अधिनियम धारा में केस दर्ज करते हुए दो लोगों को डिटेन किया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से हादसा तो टल गया, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर रेलवे के सिस्टम के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि 2024 में एक दो बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी तस्वीर सामने आई है जब या तो ट्रेन किसी हादसे का शिकार हुई है या फिर ट्रेन को डिरेल करने की कोशिश की गई है। रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर, रेलवे ट्रैक पर पेट्रोल बम,
रेल रूट पर नरसंहार की साजिश। कौन है साजिश का मास्टरमाइंड? ये खबर डराने वाली है, क्योंकि कानपुर में जिस तरह से ट्रैक पर सिलेंडर बरामद हुआ है वो एक खौफनाक साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। अगर ड्राइवर ने सूझबूझ से काम ना लिया होता तो कालिंदी एक्सप्रेस एक भयानक हादसे का शिकार हो सकती थी, क्योंकि रेल ट्रैक पर जो कुछ बरामद हुआ है वो रेलवे मंत्रालय समेत तमाम जांच एजेंसियों को डरा रहा है, क्योंकि ट्रैक पर सिलेंडर के अलावा कांच की एक बोतल भी मिली है जिसमें पेट्रोल भरा था। इस बोतल में पलीते जैसी चीज भी लगी है, साथ ही ट्रैक के पास एक सफेद रंग का बैग भी बरामद हुआ है, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि ट्रेन हादसे के जरिए कई लोगों को मारने की प्लानिंग की गई थी। 2024 में यह पहली बार नहीं है जब ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई है। सबसे पहले 14 जनवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर में मुरी एक्सप्रेस को यूपी के कौशाम्बी में डीरेल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। उस दौरान पटरियों पर पत्थर मिले थे। 29 जनवरी को मेजा ऊंचडीह रेलवे स्टेशन के बीच मांडा रोड पर रेलवे ट्रैक पर कंक्रीट का ढक्कन बरामद हुआ था, लेकिन मालगाड़ी से टकराकर उस ढक्कन के दो टुकड़े हो गए थे। 1 मई 2024 को रेलवे ट्रैक पर 100 किलोग्राम का पत्थर बरामद हुआ था। उस दौरान नैनीदून एक्सप्रेस डीरेल होने से बची थी, क्योंकि पत्थर ट्रेन के इंजन में फंस गया था। 1 अगस्त 2024 को एक यूट्यूबर रेलवे ट्रैक पर पत्थर और सिलेंडर रखकर वीडियो बनाने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। 23 अगस्त को जोधपुर में वंदे भारत को डीरेल करने की कोशिश की गई थी, तब सीमेंट ब्लॉक के जरिए ट्रेन हादसा करने की कोशिश हुई थी। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 24 अगस्त को भी ठीक उसी जगह सीमेंट के दो ब्लॉक बरामद हुए थे। और अब कानपुर में जिस तरह से सिलेंडर और पेट्रोल से भरी बोतल बरामद हुई है उसने हर किसी को चिंता में डाल दिया है। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी ऑब्जेक्टेबल मटेरियल मिला है, सभी की जो है समीक्षा की जा रही है और इसमें जो है वो रेलवे अथॉरिटीज़ ने जो हमें कम्युनिकेट किया उसके आधार पे हम लोग जो है वो नियमानुसार इसमें जो कठोरतम कार्रवाई हमें मिला है। यही वजह है कि YSRCP के राज्यसभा सांसद वी विजय साई रेड्डी ने सोशल मीडिया एक्स पर रेल मंत्री से बड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने लिखा है, रेल गाड़ियों को बेपटरी करने की कोशिश